नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कुंडली में पंचम भाव का क्या क्या इफेक्ट होता है और पंचम भाव से हम क्या क्या जानते हैं और पंचम भाव से हम किस किस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले पंचम भाव जो है वो कुंडली में त्रिकोण स्थान को दिखाता है, यानी कि त्रिकोण स्थान को दर्शाता है। त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण जो होता है वो लग्न, पंचम और नवम भाव। पंचम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस स्थान से व्यक्ति के बौद्धिक क्षमताओं का जायजा लिया जाता है। व्यक्ति के अंदर कितनी ज्यादा सोचने की शक्ति है, कितनी ज्यादा थिंकिंग पावर है और किस लेवल की थिंकिंग पावर है, ये हम पंचम भाव से जान सकते हैं। पंचम भाव है संतान का, आपके कितने संतान होंगे, संतान का चरित्र कैसा होगा, वो किस तरह से सोचेगा, उसका भी पता पंचम भाव से लगता है। पंचम स्थान है रोमांस का, यानी कि आप किसी से अगर प्रेम संबंध में हैं तो वो प्रेम संबंध कैसा रहेगा, उस विषय में पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी होता है। विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम संबंध रहेगा, उसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। अब मैं ऐसे बताता हूं कुंडली के प्रथम भाव से लेकर, क्योंकि कुंडली से पंचम स्थान में पंचम भाव देखा जाता है, तो पंचम भाव में बौद्धिक क्षमता, संतान भाव और प्रेम भाव या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को पंचम भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव को अगर दूसरे भाव से पंचम भाव पड़ता है चौथा, यानी कि दूसरा भाव जो है वो है धन भाव। तो धन भाव का कितना अच्छा उपयोग होगा या उस धन का सही से इस्तेमाल होगा कि नहीं, वो हम देखेंगे पंचम भाव से, क्योंकि धन भाव से पंचम भाव जो है वो चौथा यानी सुख, यानी कि जो आपने धन अर्जित किया है वो सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं, आपके सुख के प्रयोजनों के लिए उपयोग हो रहा है कि नहीं, उसका जायजा पंचम भाव से लिया जाता है। इसी प्रकार तीसरा भाव यानी कि भाई बहनों का भाव, भाई बहनों का तीसरा यानी कि अगर तीसरे भाव का तीसरा देखें तो वो पंचम स्थान होता है। तो आपके भाई बहन के साथ आपका खुद का कैसा रिलेशन रहेगा, आपके भाई बहनों के साथ आपका खुद का कैसा संबंध रहेगा, उसका विचार पंचम भाव से करते हैं। ठीक उसी प्रकार चौथे भाव का दूसरा भाव पंचम भाव है। तो चौथे भाव यानी कि आपके सुख सुविधाओं की चीजों का, आपके पॉपुलैरिटी का और ये सारी चीजें जो कि आपके सुख या फिर आपको शांति देने वाली जितनी भी जगहें हैं, वो सारी चीजें जो है चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। चतुर्थ भाव का दूसरा भाव है पंचम भाव और दूसरा भाव कहा जाता है संचित धन का। तो आपका जो सुख सुविधा की चीजें हैं, मतलब आपके लाइफ में जितनी भी सुख सुविधा की चीजें हैं, वो कितने दिनों तक टिकी रहेंगी, या एक तरह समझ लीजिए कि आप आजीवन सुखी रहेंगे या आजीवन दुखी रहेंगे या मिला जुला असर रहेगा, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। सुख का संचय कितना आपके जीवन में है वो पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव खुद में भी एक तरह से समझ लीजिए कि अच्छे विचारों को देने वाला होता है। ऐसे लोग जो बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं या बहुत ज्यादा उच्च स्तर के होते हैं, उनका पंचम भाव हमेशा बहुत अच्छा रहता है या पंचम भावेश जो है उनकी स्थिति काफी अच्छी होती है। अब छठे भाव को देख लेते हैं। छठा भाव क्या होता है? रोग, रिपु और रण, यानी कि आपके शरीर में कितने रोग हैं, इस विषय में छठा भाव देखते हैं। और उस रोग का क्या निदान है, वो रोग कितने दिनों में ठीक होगा, उस रोग से आपको कितनी हानि होगी, उसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। क्योंकि छठे भाव का द्वादश भाव जो है वो पंचम भाव है, और द्वादश भाव जैसा कि आपको सब पता है, द्वादश होता है हानि का, द्वादश होता है लॉसेस का। तो छठे भाव में अगर कोई ग्रह है या छठे भाव की वजह से आपकी तबीयत में गड़बड़ी है, तो वो छठा भाव यानी कि आपके रोग कब तक टिकेंगे, समाप्त होंगे भी या नहीं, या आपके रोग से क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसका विचार हम पंचम भाव से करेंगे। ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव, सप्तम भाव होता है मैरिज का, यानी शादीशुदा जिंदगी का। तो शादीशुदा जिंदगी में किस तरह से पत्नी और पति के बीच में भाव रहेगा या मेल मिलाप रहेगा, उसका विचार पंचम भाव से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सप्तम भाव का एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पंचम भाव है।
इसीलिए पति पत्नी के बीच संबंध, पति को पत्नी से लाभ या पत्नी को पति से लाभ, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर से आपको कितना लाभ मिलता है, उसका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव को अगर देख लें, अष्टम भाव के दशम भाव में पड़ता है पंचम भाव यानी पांचवा घर। तो अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव होता है किसी भी अकल्ट साइंस के बारे में जानने का। अष्टम भाव होता है किसी तरह के पैरासाइकोलॉजी कह लीजिए, या पैरा फिजिक्स कह लीजिए, मेटाफिजिक्स कह लीजिए, या एक तरह से कह लीजिए कि पराविज्ञान, जो इस धरती के अंदर जितने भी नॉलेज हैं उन नॉलेज से परे वाला जो नॉलेज होता है, उसके बाद वाला जो ज्ञान होता है, उसे कहते हैं पराविज्ञान। तो अष्टम भाव से हम पराविज्ञान के विषय में जानते हैं। तो किसी व्यक्ति के जीवन में पराविज्ञान के विषय में कितना इंटरेस्ट होगा, उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। प्लस उनका मृत्यु का विचार भी वहीं से किया जाता है, प्लस उनके आध्यात्मिक ज्ञान का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। तो इन सब विषयों के ऊपर इंसान कितना काम करेगा, यानी कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर कितना काम करेगा, ऐसे लोगों को अपने जो ज्ञान है यानी कि जिसको कहते हैं पराविज्ञान के विषय में कितनी ज्यादा नॉलेज होगी या फिर कितना ज्यादा उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका विचार पंचम भाव से करते हैं। मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु का कारण क्या होगा, उसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं, क्योंकि अष्टम का दशम पंचम भाव है। अब नवम भाव की बात करते हैं। तो नवम भाव जो होता है भाग्य भाव का होता है, पिता स्थान का होता है, प्लस धर्म स्थान का होता है। और नवम भाव से नवम जो है वो पंचम भाव है। तो धर्म का कितना आप अनुकरण करेंगे, धर्म परायण कितने बनेंगे, आपके पिता से कैसे संबंध होंगे, और साथ ही साथ आपका खुद धर्म के प्रति कितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, या एक तरह से आप कह लीजिए कि आपके अंदर कितनी ज्यादा धर्म को समझने की शक्ति होगी, उसका विचार जो है पंचम भाव से करते हैं। नवम भाव भाग्य स्थान का है, तो आपके भाग्य में जो लिखा है उसकी पूर्ति कितने हद तक होगी, यानी कि आपके भाग्य में अगर कुछ अच्छा लिखा है तो वो कितना अच्छा होगा, इसका विचार भी पंचम भाव से करते हैं। इसी प्रकार दशम भाव यानी दशम भाव का अष्टम जो है वो पंचम है। तो दशम भाव यानी कि आपके कर्म का स्थान, आपके पिता का स्थान भी कहा जाता है, और दशम स्थान देखा जाता है किस तरह के कर्म को आप करेंगे उसके विषय में, और आपके कर्म द्वारा आपको क्या लाभ होता है या आपको क्या नुकसान होता है, या कर्म से होने वाले दूसरों की हानि, इसका विचार भी पंचम भाव से होता है, क्योंकि दशम का अष्टम जो है वो पंचम कहा जाता है। अब देखते हैं एकादश भाव। एकादश भाव से सप्तम भाव पंचम भाव होता है, यानी कि एकादश भाव यानी लाभ, यानी कि व्यक्ति के जीवन में कितना लाभ मिलेगा, जैसा वो कर्म करता है उस हिसाब से उसको कितना फल मिलेगा, यानी प्राप्ति होगी, यानी कर्मों का फल कितना प्राप्त होगा, ये एकादश भाव से देखते हैं। और उस फल की क्या गति होगी, मतलब जो चीज आप पाना चाहते हैं और उसको पाने के लिए जो कर्म करते हैं, और उस प्राप्ति के बाद उसका क्या फल होगा, या उस प्राप्ति को आप किस तरह से यूज करेंगे, इसका विचार पंचम भाव से करते हैं। एकादश भाव बड़े भाई का भी होता है, तो बड़े भाई की पत्नी के विषय में अगर कुछ जानना हो तो उसका भी विचार पंचम भाव से करते हैं। या फिर एकादश भाव का जो स्थान है वो मित्रों का भी होता है, तो मित्रों की पत्नी के विषय में भी अगर जानना हो तो वो आपके पंचम भाव से आप जान सकते हैं। इसी प्रकार द्वादश भाव, द्वादश भाव के छठे भाव को पंचम भाव कहते हैं। द्वादश भाव का छठा भाव पंचम भाव होता है। तो द्वादश भाव से हम देखते हैं मोक्ष, द्वादश भाव से हम देखते हैं इंसान को कितना लॉस होता है, द्वादश भाव से हम देखते हैं विदेश यात्रा। अब विदेश यात्रा आपके लिए कितना नुकसानदेह होगा, इसका विचार पंचम भाव से करते हैं। मोक्ष आपको प्राप्ति होगी या नहीं, या मोक्ष प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं हैं, इसका विचार पंचम भाव से करते हैं। लॉस, लॉस किस तरह के लॉसेस होंगे, वो लॉस आपके शत्रुओं द्वारा किया जाएगा, या आपके मित्रों द्वारा किया जाएगा, या आपके परिजनों द्वारा किया जाएगा, इसके विषय में भी हम पंचम भाव से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पंचम भाव के विषय में। आप पंचम भाव से बहुत सारी चीजों के विषय में जान सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल में जाना पड़ेगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम का, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट से कनेक्ट हो जाएंगे। आप अपने विचार वहां भी रख सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो वहां भी पूछ सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।